दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते पूरे संसार का क्रिकेट बंद है, वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई लगातार क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट को पोस्टपोन कर रही है। और जैसे जैसे भारत में लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट को भी पोस्टपोन किया जा रहा है। लेकिन अभी अभी आईपीएल 2020 को लेकर बीसीसीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो कहीं ना कहीं आईपीएल फैंस को काफी खुश करने वाली। और साथ ही साथ हमें इस खबर के साथ आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट के बारे में भी पता चल रहा है। और इस वीडियो में हम इस खबर को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि जल्दी आईपीएल 2020 की शुरुआत हो जाए तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल भारत के हालात लगातार बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। भारत में कोविड-19 के 63,000 से ज्यादा केसेज आ चुके हैं, 2100 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। और ऐसे में फिलहाल भारत की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। भारत सरकार भारत को कोविड-19 से बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। भारत में लॉकडाउन 3.0 लागू है, 17 मई तक यह लॉकडाउन लागू। और इस लॉकडाउन के साथ आईपीएल 2020 को भी लगातार पोस्टपोन किया जा रहा है। लेकिन आज आईपीएल 2020 को लेकर बीसीसीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया। जी हां, बीसीसीआई के अधिकारी अरुण धूमल ने ऐसा दावा किया कि यूएई क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल 2020 को होस्ट करने के लिए बीसीसीआई के पास फरमान भेजा है। हालांकि उससे पहले श्रीलंका भी यह काम कर चुका है, श्रीलंका को भारत ने मना कर दिया था। लेकिन फिलहाल इंटरनेशनल बॉर्डर सील होने की वजह से बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को यूएई में कराने से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया है। बीसीसीआई ने ऐसा साफ कर दिया कि आईपीएल 2020 को यूएई में होस्ट करना इम्पॉसिबल है। हालांकि आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि फिलहाल बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को फर्दर नोटिस तक सस्पेंड कर रखा है। यानी जब तक भारत सरकार कोई नोटिस आईपीएल 2020 के रिगार्डिंग जारी नहीं करती है, तब तक आईपीएल 2020 को सस्पेंड कर रखा है। लेकिन बीसीसीआई के कुछ अधिकारी ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि आईपीएल 2020 की शुरुआत हमें जल्द ही क्लोज डोर स्टेडियम्स में बिना ऑडियंस के देखने को मिल सकती है। वही दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी निकल कर आ रही है कि मई के महीने में और जून के महीने में आईपीएल 2020 को होस्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जुलाई अगस्त में आईपीएल 2020 को होस्ट किया जा सकता है, लेकिन वहां पर हमें फॉर्मेट में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम पर एशिया कप 2020 भी खेला जाना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2020 को कुर्बान करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एशिया कप 2020 की जगह पर आईपीएल 2020 को नहीं होने देंगे। लेकिन दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।